हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर इरशाद पर। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका जीमेल अकाउंट है उसका परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल ओपन करना होगा। जीमेल ओपन करने से पहले कुछ सवालों को मैं जवाब दे लेना चाहता हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे जिसके मन में दिमाग में ये घूम रहा होगा कि भाई अगर मेरे को जीमेल यूज़ नहीं करना था, मैं इसको रिमूव कर देंगे, मोबाइल से हटा देंगे, उसको डिलीट क्यों करें। तो भाई जो ऐसा सोचता है उसके लिए वीडियो नहीं, वो वीडियो उस बंदे के लिए जो मान के चलिए जिसका मोबाइल में पर्सनल कोई डेटा है या किसी का मोबाइल खो गया और वह अगर फिंड माई डिवाइस से अपने लोकेट नहीं कर पा रहा, जैसे कि अगर डाटा और लोकेशन दोनों बंद रहेगा तो आप उस मोबाइल को कभी लोकेट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम ये ट्रिक आपका काम आएगा। तो करना क्या होगा कि जैसे कि अगर मान के चलिए आपका बहुत ही पर्सनल डेटा, अगर मान के चलिए अदर पार्टी के पास जिसके पास आपका मोबाइल खो गया वो मिल गया उसके पास, अगर आप चाहते कि वो मेरा डेटा शायद मिसयूज करेगा या क्या कुछ कर देगा, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट बेटर है कि आपका अपना जीमेल अकाउंट ही डिलीट कर देगा, ताकि आप तो आप या तो उस मोबाइल को अगर रीसेट कर सकते हैं फिंड माई डिवाइस से तो रीसेट कर सकते हैं, वरना डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए प्रोसेस आगे मैं बताता हूँ, उसको देखिए सिर्फ, और करना भी देखना सिर्फ नहीं है। मैनेज माई अकाउंट पर जाना होगा। मैनेज माई अकाउंट में जाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी पे जाना है। डाटा एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद उसके बाद एकदम नीचे स्लाइड करते जाना है। नीचे स्लाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। ओके, एक मिनट वेट कर लेते हैं। वेट थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपका नेट अगर बढ़िया चल रहा है तब तुरंत ले लेंगे, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए मेरा थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। तो चलिए इसको स्किप कर देते। देखिए खुल चुका है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के वेरीफाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो उसके बाद आपको या तो कोई या कोई अलर्ट करेगा, अलर्ट को भी आप ओके करके क्लिक करके इसको डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, या फिर वैसा भी होगा कि डायरेक्ट नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद कुछ स्टेप और बताएगा और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए।